नमस्कार, ओम शांति। आपको स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। और आज हम 321वें दिन के ईश्वर वरदान में परमात्मा की क्या सीख है हमारे लिए, उसको हम देखते हैं, विस्तार में देखते हैं, चलते हैं आगे। बाबा कहते हैं, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों का व तमोगुणों के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भवा। विस्तार में लेके चलते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, परमात्मा पिता धरती पर आकर के हम बच्चों को हर दिन गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं, ताकि हम अपने आप को जितना हो सके विकर्मों से बचा सकें, तो बाबा का कर्तव्य चल रहा है। ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। लास्ट के समय में जब ऐसा समय आएगा जब हमारे पास में टेलीविजन या मोबाइल फोन्स या यूट्यूब या इंटरनेट या सैटेलाइट फोन्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो कुछ अंतिम समय की बात करें परमात्मा, उस समय हमारे अंदर जो विकार होंगे उसको समाप्त करने के लिए हमारे पास में आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें हर दिन पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा शायद से। तो बाबा कह रहे हैं, उस समय के टाइम पर आपको अपने अंदर के जो विकार है उसको मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा से लिंक करके अपने आप को उसको भस्म करना पड़ेगा, और साथ ही साथ और आत्माओं के जो विकार हैं, मन में संकल्प चल रहे हैं, जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, जिन्होंने मेहनत नहीं करी, उनको भी आपको मदद करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो 5 तत्व हैं, जल हो गया, आपका धरती हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, आकाश हो गया, इनको भी पवित्र करने का कर्तव्य हमारा तपस्या के द्वारा ही होगा। तो जितनी हम तपस्या करेंगे उतना ये तांडव करेंगे, मतलब कि उतना ही ये उथल खाएंगे और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे, पवित्र स्टेट में आ जाएंगे। अभी आप सारे 5 तत्व को भी देखें तो वो भी अपवित्र बने हुए हैं, तो हम जितनी तपस्या करते हैं उतना ही ये पवित्र बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, इसके लिए सदा एकरस स्थिति के आसन पर स्थित हो। एकरस स्थिति मतलब कि मन इधर उधर ना भटके, परमात्मा से ही सारी इच्छाएं, सारी लगन, सारा प्रेम, सब कुछ परमात्मा के ऊपर ही छोड़े हम। फिर बाबा कहते हैं, हो अपने तपस्वी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, आसन पर स्थित होकर के अपने तपस्वी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। तपस्या का मतलब क्या होता है? जो कि एक चीज के ऊपर बिल्कुल फोकस हो जाए बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं, आप अपनी तपस्या मेरे ऊपर करो कि मुझ पर पूरा फोकस हो जाऊं, मैं जो कहूं, जैसे कहूं, जहां बैठाऊं, जहां खिलाऊं, जहां पिलाऊं, जहां सुलाऊं, उसके अनुसार ही चलो, अपनी बुद्धि मत चलाओ। आपकी हर कर्मेंद्री से देह अभिमान का त्याग, आंखों से बुरा ना देखना, कानों से बुरा ना सुनना, मुख से बुरा ना बोलना, ये सारी चीजों का त्याग हो, और आत्मा अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। हम जितना शरीर को भूलते जाएंगे और अपने आप को आत्मा समझते जाएंगे, उतना हमसे विकर्म पाप कम होते जाएंगे। तो सारी मेहनत क्या है? आत्मा समझने की, आत्मा समझ करके बुद्धि चला करके कर्म करने की। तो परमात्मा भी निराकार है, हम बच्चे भी निराकार थे, लेकिन अब परमात्मा चाहते हैं हम निराकार अपने आप को समझ करके परमात्मा के गुणों को अपना करके उनके ऊपर तपस्या कर करके उनकी याद में हर कर्म करें। तो परमात्मा को साथी बना के कर्म करने से तपस्या अच्छी होती है और हमसे विकर्म कम होते जाते हैं। तो ये परमात्मा चाहते हैं कि हम अंतिम समय की ये प्रैक्टिस आज से ही करना शुरू करें। तो आज के ये श्री वरदान, आपका शुभ रात्रि। और अगर आप इस चीज़ को और पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तपस्या कह रहे कैसे, तो उसके लिए आपको ब्रह्म कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जाकर के सीखना पड़ेगा। ओम शांति।